हेलो भिवर्स, तेबे आपण मानको स्वागत जनावे आपण मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को। बंधु मैंने देखु आपण मानक आज मुझे पूरा पूरी ऑफिशियल नोटिस सह देखी जे जो मैंने भी मत पचारे सार कहतु वास्तव में व्हाट इज द रीजन व्हाट इज द कजेस फॉर डिले ओटीईटी एग्जाम। ओटीईटी एग्जाम लेट होबार डिले होबार जो सब भी कजेस अच्छी मुझक गोटे गोटे पाखापाखि छः सतोटी आपंकर कारण सहित आपको जहाँकि डिटेल्स वीडियो प्रोवाइड करेंगे और आपण मैंने गोटे प्रकार स्पष्ट होजे जे कहीं आम कहूँ ओटीईटी एग्जाम आपंकर विलंब हम। देखु प्रथम मुझे गोटे ऑफिशियल लेटर देखेबी। देखो ये ऑफिशियल लेटर आपंकर गत काली राति पाने जहाँकि देखी थे और किसी पिला कहते सर ऑफिशियल साइट रे आसी नहीं आपति लेटर पाँच। देखो आम जो सोर्स भी इनफर्मेशन पाऊ आपण मानक कही रखुच्छी 21/11/2022 गत काली जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा नोटिफिकेशन नंबर रही 1461 आपण मैंने नोटिफिकेशन देखिपारे और जो मैंने भी फर्म आवेदन करशा सेकेंडरी स्कूल टीचर इलीजिलिटी टेस्ट से क्लीयरली कहूँ आपड़ मैंने 28 तारीख पर्यंत आवेदन करें। स्टिल आपंकर 28/11/2022 मिडनाइट पर्यंत आपंकर आवेदन करेंगे अर्थात आपंकर OSSTEETर आवेदन तारीख घुंची जाए पूरापूरी जेन्युइन अटे पूरापूरी परफेक्ट अटे पूरापूरी ऑथेंटिसिटी अटे पूरापूरी ठीक इनफर्मेशन अटे अर्थात 28 तारीख पर्यंत आपण ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर इलीजिलिटी टेस्ट पर फर्म आवेदन हम गत कालीर ये नोटिफिकेशन आपण मैंने जानती बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बीएससी ओडिशा रे आपंकर जहाँकि सर्वर प्रॉब्लम चली बहुत सारा ट्वीट होता फलस्वरूप बीएससी ओडिशा फाइनल आपंकर नोटिफिकेशन जारी कले आपंकर जहाँकि OSSTEET अवधि को घुंचाई देते एवं आसा ओटीईटी विलंबर केतोटी मुख्य कारण। प्रथम इंपोर्टेंट कारण हूँ समेटिव एसेसमेंट वन परीक्षा। देखो मुझे आपको देखा 21/11/2022 ये नोटिफिकेशन रही ओसेपा तरफ ओसेपा अर्थात ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी तरफ ये चिठी जो चिठी आपंकर जाए क्या पाखक ना सब्जेक्ट में पोस्टपोन ऑफ समेटिव एसेसमेंट वन टू क्लास आई टू भि टू आई मुझे डिटेल्स भिडियो देवी शिक्षक मानक जो आंदोलन चली फलस्वरूप शिक्षक मैंने परीक्षा करने देवे ना बा परीक्षा करेबे ना बोली से मैंने धमक देखते ये देखते मुझको ये देखे दूसरी जे सरकारी हाईस्कल एनपीएस संघर विक्षोभ दाबी पूरण न प्रथम मेट्रिक समेटिक बर्जन चेतावनी कितु ये जो आपंकर बर्जन कराकि देखिपारे शिक्षक मैंने जेहतु आंदोलनरत अच्छा क्लास 3-8 पर्यटन समेटिव एसेसमेंट वन को बर्जन कर जानती दशम एसए वन परीक्षा आपंकर अच्छी 23 तारीख रूल एसए वन परीक्षा समय ओटीईटी परीक्षा अत्यंत पक्षे तो लगुनी जे आपंकर हम बोली द्वितीय कारण आपको देखेबी पूरा प्रॉपर चिठी सहित मो पाखे जहाँ अच्छी ये चिठी आपंकर रही देखो कलेक्टोरेट ऑफ नवरंगपुर डेट रही 21/11/2022 टू रही ऑल ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऑल ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर अपॉइंटमेंट ऑफ इनविजिलेटर इन समेटिव एसेसमेंट वन 2020-2023 ऑफ क्लास एक्स अर्थात 23 तारीख आपंकर जानती समेटिव एसेसमेंट वन अच्छी तो तार ये चिठी आसी सारी दशम जो परीक्षा हम तो इनविजिलेटर मानक आपंकर ये चिठी आसी सारी 21 तारीख जो ये नोटिस आसी 23 तारीख जो परीक्षा हम तेनाली ये चिठी। द्वितीय कथा ओटीईटी विलंब हमारे आउ गोटे बड़ कारण हूँ शिक्षक आंदोलन प्रभाव आपण मानक मुझे देखेबी। देखो गांधी मार्ग में जड़े अथे शिक्षक नुहे 20,000 शिक्षक और कर्मचारी जहाँकि बर्तमान समय गांधी मार्ग में एवं अच्छा चुक्ति प्रथा उच्छेद सहित जहाँकि देखिपे जो एनपीएस बदल में ओपीएस लागू सांग को अन्य सुविधापी से आंदोलन करुँच गर्जुं शिक्षक मैंने विशेषकर हाईस्कल और प्राथमिक व जेटीसी शिक्षक मैंने सेमकर जो विक्षोभ रही केवल गोटे कथा जदि से सुविधा न मिले जदि सरकार से कम न करती फाइनाली से परीक्षा बर्जन करेंगे तेल दशम एसए वन जो मैंने बर्जन करें जापारे ओटीईटी परीक्षार इनविजिलेटर किए पड़ ओटीईटी परीक्षार दायित्व किए नब। तृतीय कारण आपंकर ओटीईटी न होबार मुझक देखेबी। देखो ये क्लीयरली लिखी दी जाए मेट्रिक एसए वन परीक्षा बर्जन धमक देते हाईस्कल शिक्षक मैंने आवेदन असुविधा आपण मैंने देखिथे जितेबाला प्रथम थर पर ओटीईटी आवेदन आरंभ होता 10 तारीख रु 19 तारीख पर्यंत किंतु सर्भर प्रोब्लेम एत असुविधा है जे फलस्वरूप बीएससी ओडिशा जमी OSSTEETर गत काल नोटिफिकेशन जारी करते ओटीईटी में नोटिफिकेशन जारी कले फाइनाली दर्शाइले 29 तारीख पर्यंत आपंकर आवेदन हम तेल आपने जापारे केत बड़ इश्यू उठी आपंकर ओटीईटी आवेदन समय एग्जाम सेंटर डिटेल्स क्या देखिए पूर्व जो सब नोडाल सेंटर होता चलित थर आपंकर इनर डिस्ट्रिक्ट अर्थात निज जिले में परीक्षा हमारे चान्स ही ना जदि भी निज जिले में परीक्षा होती ग्रामांचल परीक्षा हम ना कि सब डिविजन स्तर में परीक्षा न हो उपखंड स्थान में परीक्षा न हो आपंकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ही परीक्षा हो दरकार पड़े पाख जिले में आपंकर सेंटर पड़े तो ये गोटे बड़ कारण आपंकर ओटीईटी परीक्षा डिले होबार परीक्षा स्वच्छता को नहीं प्रश्नवाची आपण मैंने देखिथे जिते थर भी आपंकर ओटीईटी परीक्षा हो
ସବୁଥର OTET ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେଉ, 2018 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେଉ, ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେଲା, ଫଳସ୍ୱରୂପ 2-2 ଥର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ଏବଂ 2-2 ଥର ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେଲା, 150 ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଦୂରରୁ କରାଗଲା ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବା ହରଣଗଳାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଶିପ ଚେକୁଛନ୍ତି। ତ ୟାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସି ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟିମ୍ୱାର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ OTET ପରୀକ୍ଷା ଡିଲେ ହେବାର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ। ସେଣ୍ଟର ପରିଚାଳକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ପିଅନ୍ମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଚପରାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ OTET ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଣ୍ଟର ପରିଚାଳକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚରମାନେ ରହିବେ। ତ ଟିଚରମାନେ ତ ଯାଇ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏମିତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ସାରା କାରଣ ରହିଛି OTET ବିଳମ୍ବ ହେବାର, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପେପର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଆସିଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହାକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ କାରଣ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି OTET ଆପଣଙ୍କର ଡିସେମ୍ବରକୁ ଘୁଞ୍ଚିବ ଏବଂ OTET ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ବିଫୋର 7 ଡେଜ୍ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ। ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି 22 ତାରିଖ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନୋଟିସ୍ ବା କୌଣସି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ନାହିଁ ଏବଂ OSSTର ଆବେଦନର ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କାରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ OTET ବିଳମ୍ବ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ OTET ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହେଉ ବା ଲେଟ୍ ହେଉ, ଯାହା ହେଉଛି ହେଉ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାକୁ ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଜଷ୍ଟ ଫୋକସ୍ ୟୋର ଷ୍ଟଡି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍। ଏହିଭଳି ସବୁବେଳେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଆଉ ଟ୍ରଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।